अवैध खनन के खिलाफ जिस संत ने खुद को आग लगाई वो संत विजयदास जिंदगी की जंग हार गए हैं। 3 दिन पहले राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन से दुखी संत के खुद को आग लगाने की ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी। विजयदास को दुख इस बात का भी था कि अवैध खनन के खिलाफ वो बीते 551 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार और प्रशासन की इस बेरुखी से नाराज संत ने खुद को आग लगा ली। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 3 दिन संत विजयदास का इलाज चला, लेकिन उसकी जान नहीं बची। अब संत की मौत के बाद अवैध खनन को लेकर राजस्थान में सियासत सुलग गई है। बीजेपी सरकार और खनन माफियाओं के खिलाफ साठगांठ का आरोप लगा रही है। गहलोत सरकार को संत विजयदास की मौत का जिम्मेदार बता रही है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था संत समाज का, सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। भगतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली संत विजयदास को देखने दिल्ली पहुंची थी। यहां उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुद्दा उठाया, संत के आंदोलन की अनदेखी को बड़ी साजिश बताया। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि जिस तरीके से पशुओं की जो जनता है, साधु महात्मा है, जो 500 दिन डिले करा, क्या मतलब से करा था। संत के जो उनकी डेथ हुई उसका बहुत दुख है सबको। अवैध खनन रुकना चाहिए, वो हमने रोक दिया। बीजेपी के लोगों के साथ ये दिक्कत है कि आटा दाल चावल इस पर टैक्स लग रहे, वो लग गया, भूख से लोग मर रहे हैं, छाछ दही पर लग गया, मुरमुरे पर लग गया, सूजी मैदा पर लग गया, आटे पर टैक्स लगा दिया। जो बीजेपी आटा छीन रही है, ये पापी लोग जो लोगों का निवाला छीन रहे हैं, उनको तो बोलने का हक ही नहीं। संत की मौत के बाद राजस्थान में सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने अवैध खनन को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो खनन मंत्री ने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस राज में खनन माफियाओं पर कार्रवाई का हिसाब गिना दिया। अवैध खनन में भी पिछली जो भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकाल देखे हैं 3.5 साल का, और इस कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल से तुलना करें तो हमने ज्यादा अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किए हैं, ज्यादा वसूली की है, साथ ही ज्यादा संसाधन जब्त किए। पिछली सरकार के तुलना में अवैध खनन को रोकने के लिए ज्यादा कार्रवाई की बात कही है। हालांकि संत की मौत के बाद अब सरकार की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि अब कांग्रेस के विधायक ही प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, संत की मौत को प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। नो डाउट, यदि हमारे किसी विधायक ने ये सवाल उठाए हैं, और वो वाजिद अली हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनके जो बातें वो उसी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक फेलियर है, तो उस सारे मामले की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर मैं भी बात करूंगा, एमएलए साहब से भी बात करेंगे, कहीं प्रशासनिक फेलियर है और हमारा विधायक यदि कह रहा है उसकी बात को सम्मान देना, और प्रशासनिक यदि कहीं फेलियर है तो वहाँ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी करें। संत विजयदास के निधन के बाद राजस्थान में अवैध खनन को लेकर आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब इस पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। अवैध खनन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।